अंबाला शहर भाजपा नेता रामरतन गर्ग ने देश के लोगों को बताया कि समाज के सभी लोगों को शहीद सैनिकों को बढ़ चढ़कर सम्मान देना चाहिए व भारत सरकार द्वारा शहीद सैनिकों को 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। पर एक उसको एक विशेष जीत हासिल करने पर सरकार उन पर करोड़ों रुपए की बौछार कर देती है और बार बार उनको सम्मान दिया जाता है, लेकिन एक देश का सैनिक भारत माता के लिए शहीद होता है और देश के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डालता है। -50 डिग्री सेल्सियस के अंदर वो बर्फ के अंदर अपने शरीर को जमा देता है और राजस्थान जैसे इलाकों के बॉर्डर पर वो 50 डिग्री प्लस के होने पर अपने शरीर को पसीने से अपने खून से निचोड़ देता है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र भाई मोदी पिछली सरकारों ने इस देश के सैनिकों को शहीदों को क्या दिया? उन्होंने 5 लाख 10 लाख 11 लाख रुपए तक ये मुआवजा देते रहे, लेकिन जब से मेरे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए हैं उन्होंने सैनिकों के बारे में सोचा है, उन्होंने इस मुआवजे को बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक हूँ, एक सैनिक ही सैनिक का दर्द समझ सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, उस देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि सैनिकों के लिए उचित सम्मान दिया जाए। कम से कम 2 करोड़ रुपए की डिमांड करता हूँ, 2 करोड़ रुपए का निवेदन करता हूँ, डिमांड नहीं कर रहा। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से, उस गरीब माँ के बेटे से, नरेंद्र भाई मोदी से निवेदन कर रहा हूँ कि जो सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे डालता है उसके लिए कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और इतना ही मुआवजा हरियाणा अपनी स्टेट गवर्नमेंट से दिया जाए। साथियों, देश का सैनिक देश के लिए मरता है, शहीद होता है और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डालता है। साथियों, मैं 130 करोड़ भारतीय लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों के लिए एक दिवस मनाया जाए और उनके सम्मान में एक दीपक उनके लिए हर साल, हर महीने, हर साल जलाना चाहिए, ताकि उन सैनिकों को, देश पर शहीद होने वाले उन मेरे जवानों को कम से कम ये तसल्ली हो कि मेरे देश में हमारा सम्मान करने वाले हैं। और जो सैनिक इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डालता है, कम से कम उसको यह भी विश्वास हो कि मैं जिस देश के लिए काम कर रहा हूँ, जिस देश के लिए प्राणों की आहुति दे रहा हूँ, कम से कम उसको उचित मुआवजा, कम से कम मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का कोई तो रखवाला है, कोई तो इस देश में हमारी सुनने वाला है। साथियों, मैं आप